तो देख सकते हैं इसको मैंने निकाल दिया, ये दोनों कपलर निकला हुआ है इसका, ये दोनों कपलर है, फिर भी डिस्प्ले में लाइट आ रहा है। चाबी बंद करो, वापस चाबी ऑन करो। ऑन किया, हीटर का और ये सब तो बराबर नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें डीजल टैंक का भी बराबर बता रहा है, तो इसमें से अपना क्या है इसमें काम, जैसे ऑटोमेटिक फैन जो होता है वो चलता है इस पर, ईजीआर जो यहाँ पे लगा हुआ है उसके लिए ये लाइन काम करता है, ठीक है। और इसमें हीटर का है, जो ये हीटर प्लग यहाँ पे लगता है, ये हीटर प्लग को ऑटोमेटिक 30 सेकंड के लिए जो ओपन करता है वो इसमें काम करेगा। हेडलाइट का सिस्टम इसके अंदर है, ठीक है। तो अभी मैं इसको भी डायरेक्ट करूँगा क्योंकि ये भी ख़राब हो चुका है, अभी इसको लेने जाएंगे तो कस्टमर बोल रहा है बहुत भारी पड़ रहा है डालने के लिए, तो इसका अपन डायरेक्ट बोले तो कटआउट जो भी होता है कटआउट डालेंगे इसके अंदर हेडलाइट का। मैं बताऊंगा कैसे क्या है। तो देख सकते हैं ये डायरेक्ट मैंने मेन लाइन निकाला है और ये अपना जो कटआउट में मेन जाएगा, तो मेन तो जाएगा, पर इसमें कैसा है कि आयसर में जैसे सिस्टम आता है ना, डिपर मारने पे, डिम्पल मारने पे डंडे से अर्थिंग निकलता है, तो देख सकते हैं इस पर मैं अभी बल्ब जला, ये मैं मेन निकाला था तो इस पर देख सकते हैं मेन जल रहा है, ये जल रहा है और यहाँ से भी जल रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर मैं मेन ले लेता हूँ और दूसरा यहाँ अगर यहाँ अर्थिंग देता हूँ तो यहाँ से कैसा होता है कि कटआउट काम करेगा, देख सकते हैं यहाँ से कटआउट, देख सकते हैं यहाँ से बल्ब जलेगा भी आपका, ये जला दोनों बाजू और इस पर भी जलेगा, ये डिम हो गया, ये फुल हो गया। और इसी को अगर मैं मेन पे ले लिया, ये दोनों को मेन पे ले लिया अर्थिंग वाले को, तो यहाँ से आपका भी हेडलाइट जलेगा, ये देख सकते हैं अर्थिंग मेन दोनों एक में कर दिया। अभी मैं इसको अर्थिंग से यूज करूँगा, ये अर्थिंग है मेरा, ये प्लस लाइन है, ये अर्थिंग पे डाला बल्ब जलने लगा, ये भी लगा जलने लगा डिम फुल, तो ये आपका लाइन मेन है, ये डंडी में जाएगा। तो देख सकते हैं अभी मैंने ये तो अपना लाइन ओके कर लिया हेडलाइट का, अब मुझे डंडी का लाइन चाहिए, तो डंडी से अपने को अर्थिंग चाहिए यहाँ पे, तो ये तो नेगेटिव है देख सकते हैं, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव में मैं लगाऊंगा और मैं जब वहाँ से डिम फुल मारूंगा ना तो यहाँ पे एक वायर में अपने को डिम फुल का अर्थिंग का लाइन आएगा, तो इस पर मेरा ये टेस्टिंग लाइट जलेगा अगर डिम पे चेक किए तो। तो देखेंगे, मैंने मेरा वायरिंग तो हो चुका है, अभी मैं हेडलाइट जला के दिखाऊंगा। हेडलाइट चालू करना, डिपर मारना, मारो नीचे ऊपर डंडी, हाँ वापस करो, तो अभी लाइट बंद करना, बन किया, अभी पासिंग करना ज़रा, तो देख सकते हो जैसा डंडी उठा के जो पासिंग करते हैं वहाँ से भी जल रहा है, करना पासिंग, छोड़ना, हेडलाइट चालू कर, वापस डिपर मार, डिपर मार, डिपर, हाँ ऊपर नीचे का डंडी, हाँ बराबर है, हेडलाइट का तो ओके हो चुका है, तो अभी इसका साइड में करेंगे और दूसरा अभी फ्लैशर का देखेंगे, जो सिग्नल चलता है, लाइट बंद कर दो, जो सिग्नल चलता है फ्लैशर वो देखेंगे अभी। तो देख सकते हैं सिग्नल का मैंने अभी वायरिंग निकाल लिया है, यहाँ पे कैसा अर्थिंग आता है, तो अर्थिंग का लाइन मैंने कट किया है और जो फ्लैशर से जो मेन लाइन जाता है वो अर्थिंग कट करके यहाँ पे मेन लाइन दे दिया है फ्लैशर वाला, देख सकते हैं। और ये जो आपका मेन लाइन जैसे इधर से जा रहा है इसके लिए, ये वाला जा रहा है लेफ्ट के लिए, जा रहा है राइट के लिए, तो देखेंगे ये मेरा मेन लाइन है, देख सकते हैं यहाँ से मैंने ज्वाइंट किया है, तो देख सकते हैं ये इधर से जलाऊंगा, ये आपका लैब का सिग्नल जल गया, लैब का जब जलेगा तो यहाँ मीटर में भी जला हुआ दिख रहा होगा आपको, और राइट का देख सकते हैं राइट का भी जला हुआ दिख रहा है, तो इसका मैंने लाइन लिया है, इस पर देख सकते पतला वायर है, डंडी से आता है, ये भी डंडी से आता है, ये लैब में जाएगा, ब्लू कलर का वायर है, तो ये अपना फ्लैशर यहाँ पे काम कर रहा है बराबर, और इसके लिए एक मिनट इसको पहले ज्वाइन कर लेते हैं, लेफ्ट वाला और ये राइट वाला,
कलर सेम है, थोड़ा सा 19-20 दिया है खाली। तो ये तो लेप का हो गया, देख सकते हो यहाँ पे 4 पॉइंट चालू था, 4 पॉइंट बंद किया मैंने, और यहाँ पे लेप चल रहा है, यहाँ पे लेप यहाँ पे भी दिखा रहा है, चाबी बंद है अभी फिलहाल। मैं डायरेक्ट बैटरी से लिया हूँ, उसको चाबी पे भी करूँगा। जरा राइट का देना सिग्नल, देख सकते हैं ये राइट का डिस्प्ले में दिखा रहा है, उधर का बल्ब मैंने निकाला नहीं है। बंद करना जरा सिग्नल, डंडी से डंडी से बंद कर भाई। हाँ अब 4 पॉइंट खींचना, देख सकते हैं 4 पॉइंट चलने लगा, बंद कर दो अभी। ये तो मेरा सिग्नल का लाइन क्लियर हो गया, अब इसको मैं फिर फिटिंग करूँगा। तो देख सकते हैं ये मैंने हीटर टाइमर भी ले लिया लगा के, ये हीटर टाइमर का जैसे टाटा एसी में रहता है सेम है, कुछ भी मतलब फ़र्क नहीं है, समझे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है हीटर टाइमर लगाना। पर कैसा है, मेन लाइन ये है और जब ये ऑन होगा तो इस पर मेन आएगा पीले वाले में, और एक मेन लाइन यहाँ डायरेक्ट आता है चाबी से, और डायरेक्ट एक अर्थिंग आता है, बस दो ही लाइन है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं। टोटल 4 बार इसको लगता है, 4 बार पे आपका टाइमर चालू हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब लाइन है इसकी, कोई जैसे एक लाइन है आपका इसके लिए जो डिस्प्ले में लाइट जलता है मीटर के लिए, उसके लिए, तो ये इसमें कैसा डिस्प्ले में अर्थिंग का लाइन जाएगा, जब भी वो जलेगा पर इसको क्या मेन जा रहा है, मेन जाएगा तो चलेगा नहीं, इसके लिए फिलहाल मैं यहाँ से लाइन कट कर दिया हूँ। कस्टमर को बोलूँगा एक छोटी सी लाइट लागे तो हो सके तो साइड में लगा दूंगा हीटर के लिए, यहीं से लाइन जाएगा, क्योंकि इसमें सब अर्थिंग का सिस्टम है डिस्प्ले के अंदर। तो अपना हो चुका है, मैं दिखाऊंगा इसका सप्लाई काम कर रहा है कि नहीं, देख सकते हैं ये मेन लाइन है, और इस पर देखेंगे हीटर टाइमर काम कर रहा है कि नहीं। भाई जरा चाबी ऑन करना, बंद करो चाबी, हाँ अभी ऑन करो। तो देख सकते हैं हीटर टाइमर ऑन हो गया है, 8 नंबर वाले पे लाइन आ रहा है, और वो तो 10 नंबर है वो मेन लाइन है, देख सकते हैं बल्ब जल रहा है अभी भी। इसका जो टाइमिंग हो टाइमिंग पे बंद हो जाना चाहिए, और स्टार्ट होने के बाद लाइट जलना नहीं चाहिए, फिर ऐसा है, अगर स्टार्ट होने के बाद भी जल गया तो समझिए इसका हीटर प्लग खराब है। अभी लाइट बंद हो गया, अभी मैं स्टार्ट करवाऊंगा, स्टार्ट करना, गाड़ी स्टार्ट हो गई और देख सकते लाइट नहीं जल रहा है, तो ओके बंद करो गाड़ी, वापस चाबी ऑन करना। तो देख सकते हैं चाबी ऑन करते हीटर टाइमर ऑन हो गया, तो चलेगा। अब मैं इसको फिटिंग करके लूँगा, क्योंकि हो गया ओके ये वाला लाइन, बाकी हेडलाइट का भी हो गया। हेडलाइट जरा चालू करना, डिपर मारो मारो, 4 पॉइंट सिग्नल चालू करना, 4 पॉइंट सिग्नल। तो देख सकते हैं 4 पॉइंट सिग्नल भी चलने लगा, ओके ये लाइन बंद कर दो। तो देख सकते हैं मेरा सब फिटिंग करके हो चुका है, ये हेडलाइट कटआउट लग गया है, ये अपना फैन जो चलता है आगे का हीटर फैन, जो इंजन हीट होने के बाद जो गर्म होने के बाद चलता है उसका ये रिले लगाया हूँ, और ये हीटर टाइमर देख सकते हैं। तो ये हो गया, बाकी इसका सिग्नल फ्रेशर अंदर डाल दिया हूँ, 4 टोटल इसमें लगा है कटआउट, और बाकी तो स्टार्ट भी स्टार्ट ओके हो रही है अभी, और काम बाकी है अपना। तो देख सकते हैं सब फिटिंग करके हो गया मेरा, फिर मैं स्टार्ट करके देखूँगा, यहाँ पे देखेंगे हीटर लाइन काम कर रहा है कि नहीं। भाई एक बार चाबी ऑन करना ज़रा, ये लाइट बंद होगा जब स्टार्ट मारना। ये हीटर टाइमर यहाँ फिटिंग कर दिया हूँ, और हेडलाइट कटआउट जो है यहाँ पे फिटिंग है,
और ये लाइट बंद होगा तो स्टार्ट मार के देखेंगे। पहले सब सीट के नीचे था, ये छोटा एक एसीएम आता है प्लास्टिक का, वो कैसा साल दो साल चला उसके बाद जो है जल चुका है, तो मिला नहीं मार्केट में इसके लिए, इसको भी सादा कर दिए, ये भी अच्छा चलता है। ये अपना पुराना मॉडल टाटा एसी में आता था। स्टार्ट मारो गाड़ी, देख सकते हैं अभी लाइट नहीं जल रहा है और हीटर टाइमर यहाँ पे है, फैन का रिले यहाँ पे लगा दिया हूँ, जो फैन ऑटोमेटिक जो चलता था उसका रिले इधर है, और ये हेडलाइट कटआउट यहाँ पर है, और हेडलाइट ज़रा चालू करो तो देख सकते हैं हेडलाइट का फुल का जला। डिपर मारो, डिपर डिपर, हाँ डिम फुल, हेडलाइट डिम फुल मारो ना, हाँ मारो डिपर, हाँ इसका डिपर मारो, हाँ बराबर है। तो कैसा है इसका जो फ्लैशर है वो भी मतलब बंद कर दो, गाड़ी सिग्नल बंद कर दो। हाँ इसका वैसे फ्लैशर भी जो है एसीएम के अंदर दिया था, फ्लैशर हो गया है, ऑटोमेटिक फ़ैन हो गया, और जो आपका हेडलाइट का टाइमर है वो था, और ईजीआर का था, तो इसमें जो है सब अलग अलग से बाहर कर दिया। जो फ्लैशर है वो भी अलग से अंदर डाला हूँ, इसके मीटर के नीचे डाला हूँ फ्लैशर, तो सबका जो है लाइन हटा दिए के एकदम अलग कर दिया हूँ। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए।